हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना और 4 संपत्तियां होंगी सील। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। जुर्माना न भरे जाने पर हो सकती है 6 महीने की अतिरिक्त सजा। जेबीटी भर्ती घोटाले में काट चुके हैं 10 साल की सजा। हाल ही में बढ़ती उम्र का हवाला देकर बेल पर बाहर आए थे चौटाला। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना और 4 संपत्तियों को सीज करने का आदेश भी दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई के वकील अजय गुप्ता ने बताया कि आरोपी ने 10 दिन का समय दिए जाने की मांग की थी ताकि मेडिकल रिपोर्ट करवाई जा सके, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि जो मेडिकल टेस्ट करवाने आए हैं तो जेल में करवाएं। सजा सुनाई जाने के बाद चौटाला को कस्टडी में ले लिया गया। कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के बाद बेटे अभय चौटाला ने कहा कि वे हाई कोर्ट जाएंगे। हरियाणा में जिसके नाम की बोलती थी तूती, जिसने अपने राजनीतिक जीवन में 7 बार जीता है विधानसभा चुनाव, अब वो काटेगा अपने जीवन के 4 साल जेल में। ओपी चौटाला इससे पहले भी जूनियर बेसिक टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट चुके हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2013 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अजय चौटाला समेत 3 अधिकारी इस घोटाले में शामिल थे, जिनको जाली दस्तावेजों का उपयोग करके राज्य में 3000 से अधिक शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने के आरोप में सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इस बार ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप था। इस मामले में सीबीआई ने साल 2010 में चार्जशीट दायर की थी, जिसके मुताबिक साल 1993 से 2006 के बीच उन्होंने आय से करीब 6 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति जुटाई थी। ये मामला उस वक्त का है जब साल 1999 से 2005 के बीच ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे। उस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एफआईआर के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी कार्रवाई करते हुए ओम प्रकाश चौटाला की दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में 3.68 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। इसमें फ्लैट प्लॉट से लेकर कई जमीनें शामिल थी। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के पिता और कांग्रेस नेता स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और उनके दोनों बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज हुआ था।